अली धोनी को आया बहुत गुस्सा, इतना गुस्सा कि उन्होंने ट्विटर को कह दिया है कुछ दिनों के लिए अलविदा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अली धोनी ने ट्विटर को बोला अलविदा और उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने सभी लोगों को लताड़ लगा दी? क्या है ये पूरी खबर, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। भाई, फैन वॉर से हम सभी लोग कहीं ना कहीं वाकिफ हैं। जब फैन वॉर शुरू होती है तो फैंस ये रियलाइज नहीं करते हैं कि वो किस हद तक जा रहे हैं और उन्हें कहाँ फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। ऐसे में अली गौरी की बहन इलहम गौरी को जब अब्यूसेस पहुंचने लगे, जब उनको कई सारे ऐसे मैसेजेस पहुंचने लगे जो अली गौरी को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थे, तो अली को आया बहुत तेज गुस्सा। दरअसल इससे पहले भी ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू वो उन अब्यूसिव मैसेजेस के लिए आवाज उठा चुके हैं, जो चाहे उनके लिए आते हों या जासमिन के लिए आते हों या उनकी जोड़ी जासली के लिए आते हों। इनफैक्ट वो कई मौकों पर ये भी बोल चुके हैं कि जब कोई भी स्टार कोई काम करता है तो अगर आप उस काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उसे डीपीएम भी मत कीजिए, बिकॉज दिस मेक्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन हिज हार्ड वर्क। क्योंकि बहुत मेहनत के बाद कोई भी चीज़ तैयार होती है और उसको अगर आप लोग इस तरीके से डिसरिगार्ड करेंगे तो इट डजेंट लुक गुड। तो ऐसे में अब अली गोनी को गुस्सा बहुत इसलिए ज़्यादा आ गया है बिकॉज उनकी फैमिली पे अननेसेसरी किए जा रहे हैं टारगेट्स। उनकी बहन इलहम गोनी का कोई भी लेना देना नहीं है शो बिजनेस इंडस्ट्री से या फिर अली गौनी के कोई भी मैटर से, लेकिन फिर भी किया जा रहा है उनको जमकर ट्रोल। उनके पास गालियों भरे मैसेजेस पहुंचते हैं जिनको देखकर अली गौनी को आया है बहुत तेज गुस्सा और उन्होंने कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं ट्विटर छोड़कर चला जाऊंगा एंड आई वोंट इवन कम बैक। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने अपनी फैन फैमिली को प्यार भेजते हुए लिखा है दैट आई एम टेकिंग सम टाइम ऑफ ट्विटर एंड आई विल कम बैक सून व्हेन आई थिंक इट इज द राइट टाइम। तो भाई अली का गुस्सा तो हो गया है पारे के बाहर और जिन लोगों ने उनका गुस्सा भड़काया है वो भेज रहे थे उनकी बहन को अब्यूसिव लैंग्वेज भरे मैसेजेस। तो उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिख दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे।